ग्वालियर नीडम आरओबी का धीमी गति से चल रहा था काम। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप से एक सप्ताह में तेज गति से काम दोबारा शुरू हुआ। मार्च 2024 तक बनकर तैयार होगा ग्वालियर का नीडम आरओबी। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर के विस्तारित क्षेत्र को जोड़ने वाला नीडम रेलवे ब्रिज का काम धीमी गति से चल रहा था। 57 करोड़ की लागत से बनने वाला ये 970 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा नीडम ओवरब्रिज को 2019 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण गार्डर लॉन्चिंग नहीं हो पा रही थी। पिछले कई सालों से क्षेत्र की 1.5 लाख से अधिक जनसंख्या परेशान थी। आरओबी का काम अधूरा रहने से झांसी रोड व नाका चंद्रवदनी से होकर आने वाला ट्रैफिक न्यू कलेक्ट्रेट व सिरोल के लिए नहीं जा पाता था। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आरओबी निर्माण में देरी की ये जानकारी हुई तो उन्होंने शहर के विकास कार्यों के रिव्यू मीटिंग पर इस चर्चा की व अधिकारियों को निर्देश दिए। एक सप्ताह के अंदर गार्डर लॉन्च किया गया। फरवरी 2024 में रेल कार्य समाप्त होने के पश्चात एक महीने के बाद मार्च 2024 तक जनता को यह आरओबी पुल समर्पित किया जाएगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।